छह साल बाद एक बार फिर दिल्ली का रामलीला मैदान समाजसेवी अन्ना हजारे का कुरुक्षेत्र बन गया है। अन्ना के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। हार्दिक पटेल भी अपना समर्थन देने के लिए आज रामलीला मैदान पहुंचेंगे। अन्ना ने कहा कि मैंने सरकार को 42 बार पत्र लिखा लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और अंत में मुझे अनशन पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन लोकतंत्र नहीं आया। अन्ना ने कहा कि सिर्फ गोरे गए और काले आ गए। अन्ना ने साफ कर दिया कि सिर्फ जुबानी आश्वासन पर इस बार अनशन नहीं रुकेगा बल्कि सरकार को पुख्ता फैसला लेना ही होगा। अन्ना हजारे ने लंबी लड़ाई का संकेत देते हुए कहा कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु होने की बजाय अच्छा है कि समाज की भलाई के लिए वो कुछ कर जाए। किसानों के हितों को लेकर और लोकायुक्त की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आज दूसरा दिन सरकार का कर्तव्य है। सरकार समाज और देश की भलाई के लिए होती है। हमेशा समाज और देश की भलाई सोचना चाहिए। इसलिए अगर वो बजट में लाया तो आप एक्शन ले लो। इसलिए आंदोलन करना है। जो स्कीमें हैं जमीनी तौर पर उतर नहीं पाई है क्या अभी तक किसानों तक? सरकार की जो स्कीम्स हैं किसान के लिए वो जमीनी तौर पर नहीं पहुंच पा रही हैं क्या अभी तक? टीम जो सरकार नीतियां बना रही है किसानों के लिए क्या वो जमीन पर नहीं पहुंच पा रही है किसानों तक अभी? क्या है सरकार की नीति? उद्योगपति के भलाई के लिए ज्यादा है, किसानों की सोच नहीं है। अगर किसानों की सोच होती तो लाखों किसान आत्महत्या क्यों करते? क्या कारण है आत्महत्या करने का? उद्योगपति ने कितना आत्महत्या किया? आजादी के बाद कोई आत्महत्या नहीं हुई। किसान क्यों कर रहा है? तो सरकार की सोच किसान के बारे में जितनी उद्योगपति की सोच है उतने किसान। आखिरी सवाल लूंगा लोकायुक्त और बाकी सभी मांगों के लिए, कब तक आप इस तरह अनशन पर बैठे रहेंगे? जब तक निर्णय नहीं होते तब तक मेरा अनशन चालू रहेगा, क्योंकि मैंने व्रत लिया ना, जब तक मैं जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा। जिस दिन मैं मरूंगा तो समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा, ये व्रत लिया मैंने। वो व्रत लेकर मैं चल रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मेरा बैंक अकाउंट का किताब कहाँ रहता है मुझे पता नहीं। पूरे सेवा के लिए जीवन है, पूरे सेवा। चलिए, अन्ना हजारे ने साफ तौर पर कहा है उनका जो पूरा जीवन है वो लोगों की और आम आदमी की सेवा के लिए, किसानों की सेवा के लिए। जब तक किसानों के हित में सरकार अपना निर्णय नहीं ले लेती, लोकायुक्त के लिए लागू नहीं कर देती अपने कायदे कानून, तब तक अन्ना हजारे अनशन पर बैठे रहेंगे। इस समय नवीन जोशी के साथ अनूप शर्मा। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।